दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। तो दोस्तों कल हमने आपके साथ डिस्कस किए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के क्वेश्चन, तो आज हम अपना वही मतलब सिक्वेंस जारी रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत जरूरी रहने वाले हैं, पोस्ट कोड जो कि HPSSB का JOIT का पेपर है, पोस्ट कोड 839 और BIS परमार यूनिवर्सिटी नॉनी JOIT और भी अदर जो क्लर्क के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन एक्सेल डिफॉल्ट हेडर और ए वर्कशीट इज़। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, यूअर नेम, द डाटा एंड डेट एंड टाइम, ऑप्शन है तीसरा सी, और चौथा दिया है द सीट टैब नेम। तो इसमें आएगा नन ऑफ दीज, इसमें से किसी का भी नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। इसमें से स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का कोई मतलब ऑप्शन कौन सा नहीं, कोई नहीं कौन सा है तो जो नहीं है मतलब। तो पहला का ऑप्शन हमारे पास ए एडिट, दूसरा बी इग्नोर, तीसरा सी इग्नोर ऑल, और जो चौथा है चेंज। तो इसमें क्या है कि एडिट का ऑप्शन नहीं होता है। तीसरा का ऑप्शन है, एक्सेल यूज द फंक्शन वैन क्रिएटिंग ए डाटा टेबल। तो जो एक्सेल है मतलब डाटा टेबल क्रिएटिंग के टाइम कौन सा फंक्शन यूज करता है। तो इसका ऑप्शन दिया हमारे पास एवरेज, दूसरा बी काउंट, तीसरा सी सम, चौथा डी टेबल। तो इसमें हम टेबल यूज करते हैं। चौथा को अपने हमारे पास, इन एक्सेल यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय यूजिंग द। तो इसमें ऑप्शन दिया हमारे पास बैकस्पेस की, डिफॉल्ट फॉन्ट, फॉर्मेट पॉइंटर, और तीसरा है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका जो आंसर होगा तीसरा होगा आएगा हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर पाँच में है हमारे पास, इन एक्सेल अकाउंटिंग स्टाइल शो नेगेटिव नंबर इन। ऑप्शन दिया हमारे पास ए बोल्ड, दूसरा बी दिया है ब्रैकेट, तीसरा दिया सी पेफेंटिस, डी दिया है क्वाइटिस। इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की, इन एक्सेल यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप द एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट डाटा इन ए वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। पहला ऑप्शन दिया हमारे पास इसका, बाय ड्रैगिंग ए रेंज ऑफ एक्सेल डाटा टू द वर्ल्ड बटन ऑन द टास्क बार व्हाइल प्रेसिंग द कंट्रोल की। दूसरा है, बाय ड्रैगिंग ए रेंज ऑफ एक्सेल डाटा टू द वर्ल्ड बटन द टास्क बार व्हाइल प्रेसिंग शिफ्ट की। तीसरा है, बाई डिस्प्लेइंग बोथ एप्लीकेशन साइड बाई साइड एंड ड्रैगिंग ए सिलेक्ट रेंज ऑफ एक्सेल डाटा इन टू द वर्ड एप्लीकेशन विंडो व्हाइल प्रेसिंग द कंट्रोल की। और चौथा ऑप्शन दिया हमारे पास ए एंड बी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी दो स्टेटमेंट ए एंड बी है वो दोनों ट्रू रहेगी। तो बात करें हम सातवें क्वेश्चन की, इन एक्सेल द चार्ट विजार्ड। तो इन एक्सेल में चार्ट विजार्ड क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है, कैन प्लेस ए चार्ट ऑन ए न्यू चार्ट शीट्स और एनी सीट इन द वर्क बुक। दूसरा ऑप्शन है, कैन ओनली प्लेस ए चार्ट ऑन न्यू चार्ट सीट। तीसरा ऑप्शन हमारे पास, कैन ओनली प्लेस ए चार्ट ऑन ए न्यू ब्लैंक वर्क सीट। और जो लास्ट ऑप्शन हमारा, कैन ओनली बी यूज टू क्रिएट एम्बेडेड चार्ट। तो इसका जो ऑप्शन आएगा राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी होगा, कैन ओनली प्लेस ए चार्ट ऑन ए न्यू चार्ट सीट। क्वेश्चन नंबर आठ में है हमारे पास, इन एक्सेल विच फंक्शन विल कैलकुलेटेड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्क डे बिटवीन 6/9 और 6/9/2004 एंड 8/12/2004। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसका मतलब कैलकुलेट करेगा, नंबर ऑफ वर्क डे का कैलकुलेट करेगा, डिफरेंस बिटवीन करेगा, डिफरेंस करेगा इसमें। तो पहला ऑप्शन है वर्क डे, दूसरा दिया है डाटा डे, दूसरा दिया है डेट, तीसरा दिया है नेटवर्क डे, चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ अबव होगा, इन सब से हम इसका वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डे का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इन एक्सेल डाटा मेकर ऑन ए चार्ट आर लिंक टू डाटा पॉइंटर इन इस वर्कशीट, देयर फोर पहला ऑप्शन दिया है, यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ए डाटा सीरीज। दूसरा है, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए डाटा मेकर एंड ऑटोमेटिकली चेंज द डाटा पॉइंट डेट डाटा पॉइंट वैल्यू इन द वर्कशीट। तीसरा है, यू कैन चेंज ए डाटा प्रिंट वैल्यू एंड ऑटोमेटिकली आर ड्रॉ द चार्ट। चौथा है हमारे पास डी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बी, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए डाटा मार्कर एंड ऑटोमेटिकली चेंज द डाटा पॉइंटर डाटा पॉइंट वैल्यू इन द वर्कशीट। जो हमारे पास दसवां ऑप्शन है, इन एक्सेल व्हेन यू ग्रुप वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास, और पहले बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन दिया हमारे पास ए, ऑप्शन दिया यू कैन एंटर वेरिएबल डाटा ऑन मल्टीपल वर्कशीट एट वन टाइम। ऑप्शन बी है, यू कैन प्रिंट मोर देन वन वर्कशीट। और चौथा है जो तीसरा ऑप्शन दिया, यू कैन एंटर कॉमन डाटा फॉर्मेट एंड फार्मूला ऑन मल्टीपल वर्कशीट एट वन टाइम। तो और चौथा है बी एंड सी। तो इसमें जो हमारी जो ऑप्शन राइट आंसर आएगा वो आएगा बी एंड सी।
बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, इन एक्सेल यू कैन जूम ए वर्कशीट, तो आपको जो एक्सेल की है उसमें हम वर्कशीट को कैसे जूम कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है विद द माउस पॉइंटर इन द प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन बी विद द जूम बटन ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, तीसरा है द विद द जूम कमांड ऑन द व्यू मेन्यू, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो हम ऑल ऑफ दीज जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनका यूज करके अपनी वर्कशीट को जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डाटा टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डाटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं विद द राइट ड्रैग मेथड, विद ए हाइपर लिंक, तीसरा है विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड, चौथा है डी विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो भाई जो ये जो तीनों इसमें ऑप्शन है इनसे हम कर सकते हैं, जो चौथा ऑप्शन है हमारा इससे हम नहीं कर सकते, चौथा ऑप्शन है विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, तो एक्सेल की जो एक्सेल की डाटा शीट है उसको हम वर्ड के साथ इस तरह नहीं लिंक अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास इन एक्सेल द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एन अकाउंटेंट वर्कशीट, तो इसमें पहला जो ऑप्शन आएगा इसमें वो रहा है कि जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है क्या वो अकाउंटेंट वर्कशीट के मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसके इक्वल होता है, तो उसमें क्या होता है मतलब क्वेश्चन है इसको उसमें दिया। देखो पहला हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा दिया डाटा बेस, तीसरा दिया स्प्रेडशीट, चौथा दिया ग्राफिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 14 है इन एक्सेल यू कैन यूज द फॉर्मेट पॉइंटर फॉर्मेट पॉइंटर मल्टीपल टाइम बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय, ऑप्शन ए है यू कैन यूज द फॉर्मेट पॉइंटर बटन एंड ओनली वन टाइम वैन यू क्लिक इट, दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक द फॉर्मेट पॉइंटर बटन, तीसरा है प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पॉइंटर बटन, चौथा है प्रेसिंग अल्टर की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पॉइंटर बटन। तो जो हम फॉर्मेट पॉइंटर का जो यू बटन का यूज है हम डबल क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पॉइंटर बटन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास इन एक्सेल डिफॉल्ट हेडर फॉर ए वर्कशीट इज, तो इन एक्सेल में डिफॉल्ट हेडर मतलब कोई होता है एक्सेल वर्कशीट के लिए ये पूछा है हमारे पास जो अपने आप ही उस पर मतलब शो हो जाए, तो पहला है ऑप्शन ए यूवर नेम, दूसरा है बी द डेट एंड टाइम, चौथा है नन और चौथा है हमारे पास डी जो ऑप्शन है वो है सीट टैब में नेम, तो इसमें क्या है नन, इसमें ऐसा कोई भी नहीं होता है कि जिसके मतलब कि जो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट मतलब आपको जैसे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे वर्कशीट पर अपने आपको शो होगा, वो हमें खुद फेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, मतलब स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो इसमें दिया पहला एडिट, दूसरा इग्नोर, दूसरा इग्नोर ऑल, चौथा है चेंज, एडिट का ऑप्शन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन एक्सेल यू कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्कशीट बाई चूजिंग ऑटो फॉर्मेटिंग द फॉर्मेट फ्रॉम द डैश मेनू, तो इसमें ऑप्शन दिया है हमारे पास पहला एडिट, दूसरा बी व्यू, चौथा सी फॉर्मेट और डी है हमारे पास टूल, तो फॉर्मेट इसका राइट आंसर होगा, जो इसकी एक्सेल की अपीयरेंस है उसको हम फॉर्मेट से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास इन एक्सेल डैश इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन, तो मतलब इसका जो पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास कैलकुलेशन, दूसरा है फॉर्मूला, तीसरा है रेंज, चौथा है डी रेंज एड्रेस, इसका आंसर आएगा रेंज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इन एक्सेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू ए सेल, तो इसका जो ऑप्शन दिया है हमारे पास पहला है सेल आउट, दूसरा है बी कमेंट, तीसरा है डी डायलॉग, चौथा है डी एक्सटेंशन, इसका राइट आंसर होगा कमेंट ऑप्शन वी। जो हमारे पास लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20 इन एक्सेल द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ऑफ कॉपिंग और मूविंग, जो ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड है कॉपिंग ऑफ कॉपी और मूवी का वो क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पहले पास कैन बी यूज बिटवीन वर्कशीट विद बट नॉट वर्कबुक, दूसरा ऑप्शन है कैन बी यूज बिटवीन वर्कबुक बट नॉट वर्कशीट, ऑप्शन सी है हमारे पास कैन बी यूज बिटवीन वर्कबुक बट नॉट वर्कशीट, और चौथा है डी नन ऑफ दी जाएगा इसमें, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैन बी यूज बिटवीन वर्कबुक बट नॉट वर्कशीट। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसके नीचे आंसर की दी गई है, आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इसी तरह के नए नए क्वेश्चनों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हिमाचल फॉरएवर के साथ, मिलते हैं इस तरह की वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का, फेसबुक पेज का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, जय माता दी।